Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum dear students Students we are discussing chapter number 16 that is hydrocarbons Hydrocarbons what are hydrocarbons basically hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen only like methane benzene etc Types of hydrocarbons if we talk about types of hydrocarbons there are two types of hydrocarbons aliphatic and aromatics aliphatic hydrocarbons these include the open chain compounds and cyclic compounds like acyclic and cyclic compounds cyclic compounds are uh, cyclic compounds are those compounds which are present in ring form while acyclic or alicyclic are those compounds which are present in straight chain or in branch chain Aromatic hydrocarbons, benzene is the parent member of this class, and hence aromatic is the term used for benzene and all those compounds that resemble benzene in their chemical properties. Here we have hydrocarbons. There are further two types of hydrocarbons: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons, saturated hydrocarbons like alkanes, in which there is no double or triple bond, only single bond is present between carbon atoms. भाई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच देर इज अनसेचुरेशन दैट इज मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन आइटम्स सो नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था अलकेन्स के बारे में डिस्कस किया था अल्केन्स को हमने देखा था कि अल्केन्स हमारे पास फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है अल्केस का नॉमन क्लेक्चर करने के बाद साइक्लो अल्केज और अल्केस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि साइक्लो साइकिलोल्केकेंस भी अल्केन्स के जैसे ही प्रॉपर्टीज रखते हैं अल्केन्स की अगर बात की जाए तो हमने कहा अल्केकेंस की अल्केस में जो मेंबर्स हैं फर्स्ट मेंबर वो मीथेन है फिर इथेन है प्रोपेन है ब्यूटेन है पेंटेन पेंटेनिक्स है अल्केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो एस पी थ्री हाइब्रडाइजेशन होती है क्यों क्योंकि एक कार्बन अपना एक एस और थ्री पी औरबिटर जो है वो इन्वॉल्व करता है यूज़ करता है बॉन्डिंग में और जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना बनता है वन ओ नाइन पॉइंट फाइव डिग्री का जबकि अगर साइक्लो एल्केन्स में देखा जाए तो उसमें भी एस पी थ्री हाइब्रोडाइजेशन होती है कार्बन की लेकिन वहाँ पर एंगल स्ट्रेन की वजह से जो एंगल है वो वन ओ नाइन पॉइंट फाइव का नहीं बनता बल्कि सिक्सटी डिग्री का बनता है फिर हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी डिस्कस की थी कि एल्केन्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि इनमें कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं होता और ना ही हमारे पास इनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं एल्केन्स को हम क्या कहते हैं पैराफिनस भी कहते हैं बिकॉज दे हैव वेरी लिटल एफिनिटी और रिएक्टिविटी फिर हमने देखा था कि हमारे पास कोई रेडिकल सब्सिट्यूशन रिएक्शंस थे जिसमें हमने देखा होमोलिटिक फिशन होती है मीन दो सेम एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो होमोलिटिक फिशन होती है और जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में वो हाइट्रोलिटिक होती है जो दो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनमें से एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ लेगा तो उस वजह से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और साथ में जो दूसरा एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ठीक है देन हमने डिस्कस किया था हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और एक न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है उनका हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं अ रिएजेंट विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है हमारे पास क्या होती है इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो न्यूक्लियस लविंग होता है फिर हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज़म्स को डिस्कस किया था अल्केन्स का फिर हमने देखा था कि हमारे पास अल्किस हैं अल्केंस को क्या कहा जाता है ओलिफिनस कहा जाता है क्यों ऑलिफेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर्स हैं वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जब वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के दरिया में डबल बॉन्ड होता है और इसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो सी एन एच टू एन होता है फिर हमने देखा था कि हमारे पास रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो तीन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड नंबर एंड नेचर ऑफ द सब्सिचुएंट्स एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सब्सिचुएंट ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स इसमें हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया था कि जो कंपाउंड हाईली एनर्जेटिक होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा और जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस स्टेबल होगा ठीक है तो इट मींस के एनर्जी और रिएक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का भी इन्वर्स तो रिलेशनशिप है फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ अल्किस की बात की थी तो हमने कहा था अल्किस में जो कार्बन है वो एस पी टू हाइब्रोडाइज है क्यों क्योंकि हमारे पास एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ एस ऑर्बिटल ओवरलेप करता है और जो बाकी पी पी उसके और्ब जो ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स और पी वाई वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देते हैं जो पीछे हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स रह जाते हैं वो आपस में साइड वाइज ओवरलेपिंग करके पाए बॉन्ड बना देते हैं यही रीज़न है कि अल्किन्स में एक सिगमा और एक पाए बॉन्ड होता है फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केंस की बात की थी तो हमने कहा था दो प्रिपरेशन हैं अगर हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें तो हमारे पास अल्कीन बनेगा और अगर हम अल्काइल हेल्ड्स की डी हाइड्रो करें तो हमारे पास अल्किस बनेगा रिएक्टिविटी की हमने बात की थी तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें पाए बॉन्ड होता है और पाए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सपोज हुए हुए होते हैं तो इसलिए हमारे पास ये इजीली जो है इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटेक करता है रिएक्शन जो हमने देखे थे अल्किन्स के तो हाइड्रोजिनेशन था हमने वाटर की सॉरी हाइड्रोजन की एडिशन की थी हाइड्रो हेलोजिनेशन था मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स एच की हमने एडिशन करके देखा था फिर हमने एक रूल डिस्कस किया था दैट इज़ मारकॉनिकव्ज रूल मार्कोनिक का हमारे पास ये था कि अगर कोई अनसिमिट्रिकल अलगीन हो उसके ऊपर आप किसी स्पेशी का टेक कराते हैं तो स्पेशी में एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा पॉजिटिव पार्ट जाके डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा होंगे और नेगेटिव पार्ट उस साइड पे जाके अटैच होगा उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन के नंबर जो हैं वो कम होंगे हाइड्रेशन देखी थी कि मीन्स एडिशन ऑफ वाटर फिर इसमें हमने एक रिएक्शन देखा था जिसको हम कहते हैं एप ऑक्सीडेशन ठीक है सॉरी uh, ओजोनोलाइसिस हमने देखा था ओजोनोलाइसिस क्या है कि हमारे पास कोई भी एल्कीन है उसके ऊपर जब हम ओजोन का टेक कराते हैं तो ऑक्सीजन अपने फ्री रेडिकल के साथ जाके टेक करता है कार्बन पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है दूसरे कार्बन पे एज आ रिजल्ट हमारे पास एक सी स्ट्रक्चर बनती है रिमैनिंग जो ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है जब वो इस पर अटैक करता है तो हमारे पास ओजोनाइड बनता है फिर रीअरेंजमेंट होती है और जिंक की एडिशन होती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास टू मोलिक्यूल्स बनते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड के प्लस जिंक ऑक्साइड हमारे पास बनता है ठीक है फिर हमने देखा फिर इसमें हमने एक और रिएक्शन देखा था अपॉक्सीडेशन अपॉक्सीडेशन क्या होती है कि जब आप अल्किस में ऑक्सीजन एटम का अटैक कराते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं अपॉक्साइड और अपॉक्साइड की अगर फर्दर आप रिएक्शन कराएं वाटर के इसमें अटेक कराएं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है विच इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोल ठीक है तो इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था कि हमारे पास टेस्ट होते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ अन इन अल्किन्स तीन टेस्ट होते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट बयर्स टेस्ट एंड डच लिक्विड टेस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये है कि आप जब ब्रोमीन के एडिशन कराते हैं अल्कन में तो अगर अल्कन है अल्कन है मतलब डबल बॉन्ड है तो हमारे पास क्या होता है कि ब्रोमीन का जो रेड कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमीन कलर शोज दैट डबल बॉन्ड इज प्रजेंट इन द कंपाउंड बियर्स टेस्ट क्या होता है बीयर्स टेस्ट बेसिकलीकीन वन रिएक्ट विद कोल्ड डायल्यूट अल्कल सोल्यूशन ऑफ के एमोफोर टू प्रोड्यूस ग्लाइकोल्स तो हमारे पास क्या होता है कि जो ब्राउन सस्पेंशन सी आती है एम जो है वो अपीयर होता है आ, क्या होता है हमारे पास कि जो ब्राउन सस्पेंशन मैगनीज ऑक्साइड की एम वो अपीयर होता है और जो पर्पल कलर होता है कि एम का वो डिसअपियर हो जाता है इट मीन्स कि हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है और डच लिक्विड टेस्ट क्या है कि जो लोअर मेंबर्स हैं हमारे पास अल्केंस के जब वो क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता है ऑलिफेंट्स ये वो टेस्ट है जो पहले किया जाता था अब ये टेस्ट नहीं किए जाते फिर हमने अल्कस में कॉन्जुगेशन देखी थी कि अगर जो कॉन्जुगेटेड अल्कीन है वो स्टेबल होता है क्यों स्टेबल होता है क्योंकि उसके ऊपर जो पाए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में मर्ज होकर एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देते हैं जिसकी वजह से ईजी नहीं होता उसके ऊपर अटैक करना फिर हमने डिस्कस किया अल्काइंस अल्काइंस में हमने क्या डिस्कस किया हमने देखा था कि हमारे पास अल्काइंस के जो है अल्काइंस होते क्या हैं अल्काइंस हमारे पास क्या हैं? ये भी हमारे पास अन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका जनरल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू और हमने देखा था कि कार्बन कार्बन के दरम्यान में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको प्रिपेयर करने के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो पहला मेंबर है एसी और इसमें अगर कार्बन को देखा जाए तो वो एस पी हाइड्रोडाइज्ड है क्योंकि हमारे पास एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और उसका जो पी एक्स है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा पीछे दो पी वाई और पी जी जो अनहाइब्रोडाइज्ड पी ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलेपिंग करके पाए बॉन्ड बना देंगे जो अल्काइंस होते हैं उनमें एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाए बॉन्ड होते हैं ठीक है तो हमारे पास अगर इसकी हमने प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे पास दो प्रिपरेशन के मैथड्स थे नंबर वन बाई द डी हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसनल डाई हेल्ड्स क्या है आप अटेक कराएंगे विसनल डाई हेल्ड्स क्या होते हैं कि जो दो हेलोजन एटम्स जब एडजस्टन कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट होने कहते हैं विस्नल डाई हेल्ड्स तो हमारे पास जब आप हाइड्रोक्सल का अटेक कराते हैं किसी हाइड्रोजन पे और अल्केन पे कोई भी हमारे पास विस्नल डाई हेल्ड है उसके ऊपर अटेक कराएंगे एज अ रिजल्ट बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के दरम्या में कार्बन पाँच पोंड नहीं बनाता तो ब्रोमीन उससे अलग हो के जाके टेक करेगा पोटासियम पे तो यहाँ से के बी आर रिमूव हो जाएगा और पीछे जो हमारे पास सोडियम अमाइड होगा दोबारा हम टेक कराएंगे सोडियम अमाइड का जो एन एच टू है वो टेक करेगा हाइड्रोजन पे और एन एच थ्री बना देगा बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के दरम्यान में अगेन हमारे पास कार्बन पाँच बॉन्ड नहीं बनाता अनस्टेबल होता है तो इसका जो ब्रोमीन है ये अलग हो जाएगा और जाके टेक करेगा सोडियम पे एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा अल्काइन फिर सेकेंड हमने इसका मेथड डिस्कस किया था वो था हमारे पास डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइट सिम्पल टेट्रा हेल्ड्स है उसमें जिंक का एडिशन कराएं तो हमारे पास क्या बन जाता है एसी फिर हमने इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया रिएक्टिविटी हमने कहा अल्काइंस जो हैं वो ज़्यादा वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कींस होना तो ऐसे चाहिए अलकाइन ज़्यादा रिएक्टिव हो क्योंकि उनमें दो पाए बॉन्ड हैं लेकिन जो इसके पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं पाए बॉन्ड हैं वो आपस में मर्ज होकर एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं जो क्लाउड है, होता है वो सिलेंड्रिकली सीमिट्रिकल होता है अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस और ये एक बिग वॉल्यूम जो है वो ओकोपाई करता है एज अ रिजल्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है ठीक है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी लोकलाइज हो जाते हैं जब डी लोकलाइज हो जाते हैं तो कंपाउंड ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाता है इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि जो हमारे पास एस हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें एस करैक्टर ज़्यादा होता है एस करेक्टर ज़्यादा होने का ये मतलब एस करेक्टर फिफ्टी परसेंट होते हैं मीन्स के वो स्ट्रांगली जो है अपने कार्बन आइटम जो है वो क्या करते हैं अलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करते हैं एज कम्पेयर टू अल्किन्स एंड अल्किस ठीक है अल्किन्स में जो है वो ईजीली अवेलेबल होते हैं रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल को ईजीली अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का होल्ड इतना सॉरी कार्बन का जो होल्ड है एस अरबटल का होल्ड इतना ज़्यादा होता है कि अलेक्ट्रॉन्स वो ईजीली किसी और को नहीं देता एज ए रिजल्ट कार्बन पर नगेटिव और हाइड्रोजन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यही वजह है कि लिटिल बिट पोलर होते हैं एज कंपेयर टू एंड और अलकेंग जो है वो से लेस रिएक्टिव होते हैं फिर हमने देखा कि टर्मिनल होते हैं टर्मिनल एसिडिक होते हैं क्यों एसिडिक होते हैं क्योंकि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं तो अल्काइन जो है वो अपना हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर देता है डोनेट करने वाली स्पीशी हमेशा क्या होती है एसिडिक इन नेचुरल होती है फिर हमने उसके बाद इसके कुछ रिएक्शंस देखे थे जिनमें वही वाले रिएक्शन से हाइड्रोजिनेशन था हाइड्रोहैलोजिनेशन था जोनोलाइसिस था और हाइड्रेशन था इसमें भी हमने वही बात की थी कि अगर सिमेट्रिकल होगा तो आपकी मर्जी है जिधर पॉजिटिव पार्ट अटैच करें जिधर नेगेटिव और अगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर वहाँ पे हम मार्कोनिकल रूल फॉलो करते हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर नंबर सिक्सटीन में जो स्टूडेंट्स अभी किसी भी वजह से एबसेंट थे या उन्होंने लेक्चर नहीं अटेंड किया तो होप्स वो ये वीडियो उनको हेल्प करेगी थैंक यू फॉर लिसनिंग